हमने आपको ऑनर भी दिखा दिया, नंबर भी दिखा दिया, और ये झोपड़ी वाला होटल भी दिखा दिया। झोपड़ी वाला और से सुनना भाई, तुम लोग जो ना बड़े शरारती हो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस, क्या हाल है भाई। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख वगैरह भी। शाम से पहले एक चार सद्दा नाम से एक होटल है, उस होटल में, होटल क्या ढाबा टाइप का है, लेकिन जो है ना कमरे उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, तो हमने यहाँ स्टे किया है। और स्टे करने का रीज़न ये है कि बहुत ही कम रेट में ना खान साहब ने हमें ये रूम दे दिया, हम रात में यहाँ स्टे करेंगे। तो भाइयों, जितने भी हमारे ऐसे भाई हैं जो टूर वगैरह करते हैं, तो बिशाम से थोड़ा पहले चलते रोड पर ही जो बिशाम वाला और जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से पहले ये चार सद्दा होटल है। ये आप इसका गेट देख लो, ये वाला गेट है। तो इस होटल में बहुत ज़्यादा कम पैसों में हमें रूम मिल गया है, और हमने अभी खाना वाना मंड दिया, मछली मंगाई थी यहाँ पर, तो फ़िश हमने सुकून से पेट भर के खाई है। उसके बाद मुझे होश आया कि भाई मैंने व्यूवर्स के लिए तो ब्लॉग किया ही नहीं कि भाई हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। तो अब चलते हैं, रूम की हालत दिखाते हैं। ये है रूम की हालत, ढाबा टाइप का है, बहुत मज़ा आया। और खाना आप देख रहे हो, अब ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या दिखाऊँ। मेरा फ़िश थी, खाना वाना खा लिया है, फ्रेश हो गए, अब रात यहीं गुजारेंगे सामान वामान उतार के, और सुबह यहाँ से निकलेंगे। बस 10 से 15 मिनट, 10 मिनट की ड्राइव है बिशाम की, बस बिशाम निकलेंगे और उसके बाद आगे गिलगित। तो अब चलते हैं सोने के लिए, सोएंगे, जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, तो उतना जल्दी हम आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं भाइयों, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, ठीक हो। अब हो गई है नेक्स्ट डे की राइड स्टार्ट, मॉर्निंग हो गई है और नज़ला हो गया है बहुत ज़्यादा रात को ठंड की वजह से। और जहाँ पर रात को स्टे किया था ये वही जगह है। ये बहुत ज़बरदस्त सी एक इन्होंने ढाबा टाइप का बनाया हुआ है लकड़ियों से, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये तो बिशाम से आज निकलना है हमें, और मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि ये होटल है बिशाम से थोड़ा सा पहले, चार सद्दा दरिया होटल, मैं इसका भी बाहर से भी रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या यार, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेफली हमने रात गुजारी। और साथ साथ के अगर आप कॉस्ट सुनोगे तो आप बोलोगे यार मतलब मजाक कर रहा है भाई। ये चार सद्दा होटल अभी मैं बाहर से भी दिखाता हूँ, इन्होंने रात में स्टे करने के लिए मतलब ऐसे समझें कि फ्री स्टे, हमने बस यहाँ पर खाना खाया और 100 रुपीज़ चार्जेस किए हैं, तीन लड़कों के हिसाब से 300 रुपीज़ चार्जेस हमने इनको पे किए हैं सिर्फ इस झोपड़ी में रहने के। और बेहतरीन था, लाइट भी थी, पंखा भी था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लाइट और पंखा सब दिखाता हूँ। लेकिन जो है ना बहुत अच्छी जगह है, तो अगर आप बिशाम वाले रस्ते से कभी आते हो तो इस होटल पर रुकना। और मैंने इनका नंबर भी ले लिया है, मैं इनका नंबर लेने के बाद अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि आज बिशाम से गिलगित का सफ़र है। तो हम जाएंगे यहाँ से बिशाम से गिलगित, तो आज का व्लॉग बिशाम से गिलगित तक ही चलेगा। तो जो भी डिटेल होती है वो मैं आपको रास्ते में देता रहूँगा। और सुबह सुबह जो है ना नस्ले की वजह से हालत बहुत टाइट हो गई थी, तो आपको मैं थोड़ा सा इस रूम का रिव्यू देता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है, और फिर आपको बाहर से दिखाता हूँ कि होटल कैसा है, तो फिर आप देखिएगा। हम जाते तो थोड़ा सा आगे जाते, वहाँ पर तकरीबन 1500 रुपये वो रूम चार्जेस मांग रहे थे, कोई 2000 रूम चार्जेस मांग रहा था, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी एक्सपेंसिव थी वहाँ पे। यहाँ पे रात में फ़िश खाई, आपको दिखाया। अब यहाँ से निकलते वक्त होटल का रिव्यू देते हैं, ताकि आप लोग आओ तो आपको आसानी हो कि आप लोग इजीली कम से कम एक्सपेंस में यहाँ पे स्टे कर सको। चलते हैं, पहले तो रूम का लुक दिखाता हूँ। ये है भाई रूम, ठीक है, ये रूम क्या है, बस ढाबा टाइप का है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, और यहाँ पे लाइट भी थी, पंखा भी था, सब कुछ था। और ये बिल्कुल देसी स्टाइल एकदम, और हमने आधा सामान अपना बांध लिया है और आधा सामान अभी हमारा बाकी है। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ और रिव्यू लेते हैं इसका, कि ये हमने कहाँ से कहाँ तक। ये भाई, ये था एक रूम वाला ढाबा, और ये हमारी बाइक खड़ी हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रात भर बाइक्स यहाँ ऐसी खड़ी रही, हमने लॉक नहीं की थी, और सिक्योर
क्योंकि यहाँ पर ये दो गेट उन्होंने दिए हैं, वो वाला गेट और एक ये वाला गेट, और ये दोनों गेट जो थे वो इस वक्त बंद थे रात में। और बहुत मज़ा आया देसी स्टाइल की लाइफ, क्योंकि आप पीछे पहाड़ देखो, पहाड़ों का लुक देखो, सब पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ यहाँ पर। तो आप जब भी आओ इस तरफ विशाम वाले रोड से, मैं आपको बाहर से भी थोड़ा रिव्यू कराता हूँ, विशाम वाले रोड से जब भी आओ तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, अगर आप 3, 4, 5 लड़के हो तो यहाँ रुको, फैमिली रुक सकती है, इट्स अप टू यू यार कि आप लोगों की बाउंडिंग कैसी है आपस में, आप लोगों की फैमिली की लेडीज़ कैसी हैं, वो बाउंडिंग अप टू यू होती है कि भाई हाँ हम सर्वाइव कर लेंगे, हम रात गुजार लेंगे, वरना हम आगे जा सकते हैं होटल में जाके ठीक ठाक पैसे देकर भी रह सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हमने सोचा कि हम सेविंग जितनी अच्छी करेंगे या जितना अच्छा हम अपने डिसीजंस लेंगे उतना अच्छा हमारा ट्रैवल होगा। तो हम चलते हैं इनको, ये 4 सत्ता होटल सरदे आप, ये इनका बोर्ड है भाई, एक बोर्ड ये लगा हुआ है और एक बोर्ड वो लगा हुआ है यहाँ पर, आपको रोड नज़र आ गया होगा कौन सा वाला रोड है। तो ये हो गया है हमारा निकलने का टाइम, तो अब हम निकलते हैं अपने सफ़र की जाने, और साथ साथ बल्कि आपको मैं इनका थोड़ा सा इनसे भी बात करवाता हूँ कि यहाँ पे होते कौन है, ताकि आप लोग कभी आओ तो इनको पहचानने में आपको आसानी हो। और मैं इनका नंबर लेके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूँगा। तो आज विशाम से गिलगित का ट्रिप हम स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं थोड़ी सी इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, अंदर आ सकता हूँ मैं, वीडियो बना रहे हैं आपकी, वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ये खबर आपके, इस्तेहार भाई हैं, इस्तेहार सैयद इस्तेहार शाह, सैयद इस्तेहार शाह इनका नाम है, और ये यहाँ पर होते हैं जो मैंने आपको अभी सब चीज़ें बताई कि कितना कोऑपरेट किया, कितने कम पैसों में इन्होंने हमें यहाँ स्टे करने दिया और साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो अगर आप जब भी विशाम वाले रोड से आओ तो सैयद इस्तेहार भाई से रब्ता करो, इनका नंबर मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, होटल का नाम है इनसे चार सद्दा सरदरयाब होटल है इनका। और आप ये एड्रेस बता दें जरा इनको, ये चोपड़ी वाला होटल है, उसको नाम विशाम में कुंशी है, कुंशी नाम है, और चोपड़ी वाला होटल है, ठीक है, और बिल्कुल सामने है। अच्छा आप जो है, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो यहाँ पर आएंगे, तो मैंने इनसे अभी वीडियो में ये कहा है कि आप इनको भरपूर जैसे हमें फैसिलिटेट किया आपने, जो हमें चीज़ें दी वो सब आप उनके साथ करेंगे, तो इनको बता दें कि यहाँ पे रुकने का कितना किराया लिया आपने हमसे। 100 रुपये किराया, 100 रुपये, अगर 100 रुपये मिलने मेहमान है कोई बात नहीं है यार। इनका बड़ापन ये है कि इन्होंने 100 रुपये तो किराया लिया, उसके बाद भी हमसे ये कह रहे हैं कि यार अगर आप मेहमान हो हमारे, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी खुशी से इनको ज़बरदस्ती दिए हैं, ये हमसे पैसे इतने ज़्यादा ले नहीं देते, तो हमने 100 रुपये चार्जेस भी इनको ज़बरदस्ती दिए हैं और इनके साथ बैठ के खाना खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इसीलिए मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ, एक अननोन पर्सन ने इस तरह कोऑपरेट किया, हम इनसे पहली दफ़ा मिले, तो आप लोग भी यहाँ आओ स्टे करो ताकि इनका भी काम वाम चलता रहे और आप लोगों को भी एक अच्छी जगह प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरह से भाई हम चलते हैं फिर इंशाल्लाह, चलते हैं भाई, होगी इंशाल्लाह, ठीक है, चले भाई, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा काम, हमने आपको ऑनर भी दिखा दिया, नंबर भी दिखा दिया, और ये झोपड़ी वाला होटल भी दिखा दिया, झोपड़ी वाला, और से सुनना भाई, तुम लोग जो है ना बड़े शरारती हो, ये झोपड़ी वाला होटल है तो समझ जाना। तो बस चलते हैं, बाइक्स रेडी हो गई है, और बस अभी का ब्लॉग इतना ही, अभी चलते हैं आगे विशाम में, वहाँ दिखाऊँगा, चलो अल्लाह हाफिज़।